हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज़ और उनकी थीम्स पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में जो 30 नवंबर को IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें अक्टूबर मंथ से जो 27 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं, उसकी थीम पूछी गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, तो उसमें वो पूछा गया था, साउंड एंड इमेजेस करके उसका था कुछ थीम। ओके, तो यहाँ मैंने आपको पहले भी बोला है कि डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या तो आपसे डेज पूछ लिया जाएगा या फिर थीम पूछ ली जाएगी। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि ये नॉलेज सब बच्चों तक पहुंच पाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फ्रेंड्स, 1 नवंबर को हमारा वर्ल्ड विजन डे, विजन जो वर्ड है वो वेजिटेरियन से निकाला गया है। ठीक है, विजन डे मतलब ऐसे लोग जो वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें वो ना तो वो एनिमल से कोई भी चीज़ मतलब कंज्यूम नहीं करते, जैसे मान लो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको भी नहीं लेते, एग्स, मीट्स और जो भी आपका चिकन वगैरह ये तो बिल्कुल भी नहीं लेते। ठीक है, लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी नहीं लेते, मतलब काऊ और बफेलो से जो भी हमें मिलता है, मिल्क हो गया, कर्ड वगैरह सब कुछ, वो बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते इनको। ठीक है, तो इसीलिए वर्ल्ड विजन डे बनाया जाता है हमारा 1 नवंबर को। 2 नवंबर को हमारा फ्रेंड्स इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जितने भी जो क्राइम्स होते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए ये डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ठीक है, 5 नवंबर को फ्रेंड्स हमारा वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है, 5 नवंबर को। और 6 नवंबर को हमारा इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। ये जो 6 नवंबर को डे काफ़ी बड़ा है, लेकिन सीधा याद रखना कि जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट का है ना इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, तो उसको रोकने के लिए ये डे मनाया जाता है हमारा 6 नवंबर को। और 7 नवंबर को फ्रेंड्स हमारा नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 7 नवंबर को मनाया जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 8 नवंबर को फ्रेंड्स हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी या वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है हमारा 8 नवंबर को। थीम क्या था इसका, स्पोर्ट्स इमेजिंग। और 9 नवंबर को फ्रेंड्स हमारा लीगल सर्विस डे मनाया गया। 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। थीम क्या था इसका, ओपन साइंस, लिविंग नो वन बिहाइंड। और 11 नवंबर को फ्रेंड्स हमारा नेशनल एजुकेशन डे, 11 नवंबर को मनाया गया। 12 नवंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश पर्व, जो 550th बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की, मतलब उनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया 12 नवंबर को। और इसी दिन को वर्ल्ड न्यूमोनिया डे भी सेलिब्रेट करते हैं और पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो 12 नवंबर को 3 दिन मनाए जाते हैं, एक तो प्रकाश पर्व, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी, और वर्ल्ड न्यूमोनिया डे एंड पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। और नेक्स्ट चलते हैं, 13 नवंबर को हमारा वर्ल्ड काइंडनेस डे, विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर को। और 14 नवंबर को फ्रेंड्स हमारा नेशनल चिल्ड्रंस डे और वर्ल्ड डायबिटीज़ डेज, याद रखना चिल्ड्रन डेज के दिन बच्चों को क्या बांटी जाती है, टॉफियाँ बांटी जाती है, चॉकलेट्स, है ना, तो उससे क्या हो जाता है, ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ हो जाती है, तो इस तरह से याद रखना नेशनल चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। और उसी दिन हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी थीम क्या थी वर्ल्ड डायबिटीज़ डेज की, द फैमिली एंड डायबिटीज़। आपको पता है आजकल बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा मीठा खाने से ये बीमारी होती है। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट करते हैं हम 14 नवंबर को। और याद रखना जो यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है, अगर नेशनल आएगा तो 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे मनाया जाता है इस दिन, और उन्हीं के बर्थडे के दिन ये चिल्ड्रन डे के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 16 नवंबर को हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस भी मनाया जाता है, और इसी दिन को नेशनल प्रेस डे, इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस एंड नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। 17 नवंबर को नेशनल एपिलेसी डे एंड वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टम,
जो डे है उसको रिमेम्बर करने के लिए 17 नवंबर को मनाया जाता है, और 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, और थीम क्या था इस बार का, लीविंग नो वन बिहाइंड। और 19 नवंबर को फ्रेंड्स हमारा इंटरनेशनल मेंस डे भी सेलिब्रेट किया गया। तो 19 नवंबर को एक तो वर्ल्ड टॉयलेट डे और एक इंटरनेशनल मेंस डे बनाया गया। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे या फिर यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, और थीम क्या था इस बार का, चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर कीपर्स टुमारो, चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर कीपर्स टुमारो। 21 नवंबर को फ्रेंड्स वर्ल्ड फिलोसॉफी डे मनाया गया, और थीम क्या था, और ये थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर, नवंबर की जो तीसरे वीरवार को ये मनाया जाता है वर्ल्ड फिलोसफी डे, और इस बार 21 नवंबर को वर्ल्ड फिलोसफी डे मनाया गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, 21 नवंबर को फ्रेंड्स हमारा वर्ल्ड टेलीविजन डे, टीवी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, और 21 नवंबर को हमारा वर्ल्ड फिशरीज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो 21 नवंबर को 3 दिन मनाए गए, एक तो वर्ल्ड फिलोसफी डे, वर्ल्ड टेलीविजन डे एंड वर्ल्ड फिशरीज डे। और 25 नवंबर को फ्रेंड्स हमारा इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन के अगेंस्ट जितने भी जो वायलेंस होती हैं, ठीक है। अभी जैसे कि आप सबको पता है कि जो रेप के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है, तो इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी ऐसे गलत काम करते हैं उनको पब्लिक में हैंग करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि नॉर्थ कोरिया वगैरह में क्या करते हैं वो लोग, डायरेक्ट पब्लिक में उनको फांसी पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से करना चाहिए इनको भी, इंडिया को भी, क्योंकि तभी ये केसेस जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब लोग इतने मतलब जानवर बन गए हैं कि क्या कहें, तो सोच नहीं आता इतना, मतलब क्या सोच है उनकी, बहुत ही घटिया, ठीक है। तो इस दिन को 25 नवंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और इस बार का थीम क्या था, ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वलिटी स्टैंड अगेंस्ट रेप, ठीक है, ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वलिटी स्टैंड अगेंस्ट रेप। और 26 नवंबर को फ्रेंड्स हमारा नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, और 26 नवंबर को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया या लॉ डे ऑफ इंडिया भी मनाया जाता है हमारा 26 नवंबर को, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था हमारा वो कब हुआ था, अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, 1949 को, और जो ये एग्जिस्टेंस में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और इस बार जो फ्रेंड्स 70th एनिवर्सरी बनाएगी लॉ की, और ये जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड में, ठीक है। और इसको बनाने के लिए 2 साल 11 मंथ एंड 17 डेज लगे थे टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 17 डेज लगे थे। और जो आपको पता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है इसका जनक, ठीक है। वो बेसिकली क्या थे, एक ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, और उन्होंने उनको ही इसका जनक माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 26 नवंबर को। और 29 नवंबर को फ्रेंड्स हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडिटेरी विद पैलेस्टीनियन पीपल ये मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडिटेरी विद पैलेस्टीनियन पीपल मनाया गया। और ये थे फ्रेंड्स हमारे नवंबर मंथ्स के इंपॉर्टेंट डेज विद उनकी थीम्स। तो आप लोग इसे 2-3 बार रीड कीजिए, जब आप रीड करेंगे, बार बार रीड करेंगे, आपको ये डेज टिप्स पे हो जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस टॉपिक को ज़रूर कर लीजिएगा। इसकी मैं आपको PDF लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, पर मैं ऐसे लिंक प्रोवाइड ही कर दूँगी, जिसको भी डाउनलोड करना है आप लोग वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।